हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं और आप जो है आपको पता करना है कि आपके ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान के द्वारा काम कराया जा रहा है और उसको कराने के लिए कितना पैसा उन्होंने सरकार से लिया हुआ है और उस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं उस काम को कराने में, अगर ये सारी जानकारी आप खुद से ही चेक करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी है, आप मोबाइल में ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उसको डाउनलोड करके आप सारी जानकारी अपने मोबाइल पे खुद ही चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना को लॉन्च करने के पीछे जो है सरकार का एक ही उद्देश्य था कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो काम कराए जाते हैं उसमें पारदर्शिता लाना, लोगों को जो है सारी जानकारी जो है खुद ही मिल सके कि उनके गांव में जो उनके ग्राम पंचायत में क्या क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कितने पैसे लिए जा रहे हैं, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को जो है पारदर्शिता के तहत जो है सरकार चाहती थी कि सबको इसकी जानकारी होती रहे। सो दोस्तों, अगर आपको अभी तक इसके बारे में नहीं पता था तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, अपने ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों को या फिर कराए जा रहे कार्यों को चेक करने के लिए जो है आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे आना है। आपको गूगल पे लिखना है ई ग्राम स्वराज, इसको लिख के जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए, आपके सामने ही पहला लिंक आएगा, आपको इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब देखिए, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पर जो है आपको फिर नीचे की तरफ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अकाउंटिंग ऑप्शंस मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने आ रहा है ऑल इंडिया रिपोर्ट का, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जिस ईयर का आपको जो है आपका रिकॉर्ड चेक करना है अपने ग्राम पंचायत का, उस ईयर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, ये इसमें जो डेटा ऑनलाइन किया गया है 2015 के बाद का किया गया है। अगर आपको 2015 से लेके 2023-24 के बीच में कभी कभी का भी रिकॉर्ड चेक करना है ऑनलाइन की उस टाइम जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने कितना काम कराया था, कितना पैसा आया था, वो सारी चीज़ अगर आपको चेक करना है तो ईयर वाइज जो है आप चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं 2022-23 का जो है डेटा देखने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टेट वाइज समरी रिपोर्ट पे। अब देखिए, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपका जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब जब अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहां मैं एग्जाम्पल के लिए जो है एक दिखा रहा हूं आपको। अब डिस्ट्रिक्ट जैसे आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको जो है अपना जो ब्लॉक है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर का जो आपका ब्लॉक आता है उस ब्लॉक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो आपका ग्राम पंचायत है उसका जो है लिस्ट खुल के आ जाएगा। अब आपका जो ग्राम पंचायत है उसको आपको यहाँ पे सर्च करके देखना है कि आपका ग्राम पंचायत कौन सा है। जो आपका ग्राम पंचायत आपके सामने आ जाएगा तो राइट साइड में देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है सारे ग्राम पंचायत का, आपको उस लिंक पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने जो है 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो देखिए यहाँ पे मंथ वाइज खुल के आ जाएगा। आप जिस महीने का भी काम आपको देखना है उस मंथ के सामने आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मार्च 2023 का काम आपको देखना है कि आपके ग्राम पंचायत में कितना काम कराया गया, कितना पैसा आया, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं कि कितना जो है पैसा यहाँ पे बिल बनाया गया है और कितने पैसे रिलीज किए गए हैं सब वहां पे देखिए आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए रिसीट है और यहाँ पे पेमेंट है, कितनी रिसीट जो है यहाँ पे देखिए ये जो अमाउंट दिख रहा है ये सारी रिसीट है, और जो है यहाँ पे जो वाउचर बन के जो पेमेंट निकाला गया ये सब देखिए यहाँ पे 10,000 है, इतना है, इतना ये सब आपको मिल रहा है। अगर आपको उसकी डिटेल को भी चेक करना है, अब जैसे कि मान लीजिए आपको ये डिटेल चेक करना है पेमेंट का, जो ये 33,856 का पेमेंट हुआ है इसको आप चेक करना है, तो देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि जो है किस काम के लिए पैसा निकाला गया है और किस बैंक में और किस वेंडर को जो है मतलब किसके नाम पे ये जो है पेमेंट हुआ है, यहाँ पे देखिए उसकी डिटेल आ रही है और कितना अमाउंट का पेमेंट है, किस डेट को किया गया है, तो सारी चीज़ें जो है आप खुद ही ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको बैंक जाना है और डिटेल चेक करनी है तो आप बैंक करिए इसको। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे जो रिकॉर्ड दिख रहा है, देखिए कितना पेमेंट हुआ है, 4 पेमेंट हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 पेमेंट हुआ है, 9 पेमेंट जो यहाँ पे किया गया, तो अक्टूबर का देखते हैं हम लोग, अक्टूबर 2022 का, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना पेमेंट निकाला गया है, जितना पेमेंट आपको निकाला गया है वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल रही है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको ये पेमेंट का डिटेल चेक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब देखिए किस जो है काम के लिए पैसा ये यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए जो है
कितना अमाउंट आपको दिख रहा है और किसको किसके नाम पे पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए उसका भी नाम आ रहा है और किस डेट में हुआ है, सो डेट भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वाउचर डेट जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, और किस काम के लिए हुआ है, तो पार्टिकुलर्स में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे किस काम के लिए जो है ये पैसा निकाला गया है। सो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने ग्राम पंचायत में जो भी काम किया जा रहा है या फिर कराया गया है पास्ट में आपके ग्राम प्रधान जी के द्वारा, तो उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और अगर वो जमीनी स्तर पे वो काम हुआ है या नहीं हुआ है आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल भी आप जो है यहाँ पे देखिए, क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके देखिए आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, और उसकी डिटेल जो है आप लेके आप अगर कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो आप एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।